नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी पिछले 403 दिनों से जेल के अंदर बंद है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल में जो जांच हुई थी उसमें सिद्धार्थ पिठानी दोषी पाया गया था, उसके खिलाफ काफी सबूत मिले थे और उसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने जो जांच किया उसमें ये पाया गया कि उसके बड़े बड़े हाथ हैं और बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है जो कि ड्रग्स की सप्लाई करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर और मुंबई के साथ साथ देश के बड़े बड़े जितने भी पार्टियां होती हैं उसमें ड्रग्स सप्लाई में सिद्धार्थ पिठानी का भी हाथ है। और इसी मामले में सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एक जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक आखिरकार 403 दिनों के बाद सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिल गई है, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी अब जेल से बाहर आज आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ड्रग्स मामले में ये नाम सामने आया था सिद्धार्थ पिठानी, और जिसको एनसीबी ने गिरफ्तार करके जेल में रखा था, पूरे 403 दिन जेल में रहा और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिल गई। काफ़ी समय से जेल में बंद था और इस मामले में जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 के निजी मुचलके पर सिद्धार्थ की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा नाम, बड़ा ही ये गुनाहगार सिद्धार्थ पिठानी जो कि शक के दायरे में पहले दिन से है, और ये वही सिद्धार्थ पिठानी है जब अर्णव गोस्वामी ने सवालों की झड़ी लगाई तो ये बीच में ही माइक निकाल करके और लाइव से ये भाग गया था, ये वही सिद्धार्थ पिठानी। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को आखिरकार जमानत दे दिया गया है और एनसीबी को अपनी जांच में सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे, जिसके बाद 28 मई 2021 को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। और सिद्धार्थ पिठानी की अब तक 3-4 जमानत याचिकाएं खारिज हो गई थी, कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उसके वकील ने हाई कोर्ट का रुख किया और इस याचिका में पिठानी की तरफ से ये दलील दी गई थी कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। हालांकि सिद्धार्थ के लिए एनसीबी ने तर्क दिया कि उनके लैपटॉप और मोबाइल से ड्रग्स की खरीद फरोख्त के सबूत मिले हैं। और बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के साथ था और वो लगातार उनका फ्लैटमेट बना हुआ था, जिसके कारण से इस मामले में उसके ऊपर और भी बहुत सारे शक की सुइयां गहरा रही है। खैर, अब वो बाहर आ चुका है सिद्धार्थ पिठानी और अब देखना है कि इस मामले को अब वो किस एंगल में मोड़ता है और बाहर आकर के कितनी कारस्तानी करता है। जय हिंद, जय भारत।